हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टेक एम एस गो यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कोस 18 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे कि कोस 18 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है और कैसे फाइंड की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो कोस 18 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कोस के फॉर्मूले की ज़रूरत होगी। तो हम जानते हैं कि जो कोस स्क्वायर थीटा होता है वो होता है 1 - sin² थीटा। अब हमें चाहिए 18 डिग्री की वैल्यू, तो हम थीटा की के प्लेस पे क्या लेट कर लेंगे, 18 डिग्री लेट कर लेंगे। तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल्स टू 1 - sin² 18 डिग्री। और जो साइन 18 डिग्री होता है वो इक्वल्स टू होता है √5 - 1/4। साइन 18 डिग्री की वैल्यू को हमने लास्ट वीडियो में फाइंड किया था, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, फिर आप इस वीडियो को देख लेना। तो इस तरीके से कोस स्क्वायर 18 डिग्री हो जाएगा 1 - sin 18 डिग्री की वैल्यू कितनी, √5 - 1/4, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर 18 डिग्री 1 - √5 - 1 का होल स्क्वायर और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर 18 डिग्री, इसके अपोन में 1 लेके एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 एलसीएम आ जाएगा, 16 माइनस बन गया √5 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 18 डिग्री, यहाँ पर आ जाएगा 16 माइनस ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो √5 + 1 - 2ab और अपॉन में कितना, अपॉन में हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 60। तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर 18 डिग्री, यहाँ पे 16 माइनस 5 √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 - 1 = 2, यानी कि 2 √5 और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 16। तो बन जाएगा कोस स्क्वायर 18 डिग्री 6 - 16 हो जाएगा 5 + 1 = 6, −2 √5 अपॉन कितना 16। फिर हो जाएगा ये कोस स्क्वायर 18 डिग्री 16 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6 + 2 √5 अपॉन कितना हो गया 16। फिर हमें मिलेगा ये यहाँ से कोस स्क्वायर 18 डिग्री 16 में 6 जाएगा कितना बचेगा 10 प्लस के 2 √5 अपॉन कितना 16, इसके स्क्वायर से इस पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो कोस 18 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 10 + 2 √5 अपॉन 16, पूरे पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो ये बन जाएगा कोस 18 डिग्री 16 का स्क्वायर, इस पर तो रूट चुका तो ही रहेगा, 10 + 2 √5 और 16 का √4। दिस इज आवर रिक्वायर्ड